चलो ईशा, अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो लाइट जो हम देखते हैं या जो विजिबल पोर्शन है लाइट का, जिसमें 7 कलर्स होते हैं, ये एक बहुत ही नैरो रीजन है। कि लाइट का वैसे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो हमें नजर आता है वो एक बहुत ही नैरो पोर्शन है, और इट कैन ओनली बी इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। ऑल्दो जो फुल स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास रेडियो वेव भी है, माइक्रोवेव भी है, गैमा रेज भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कॉम्प्लेक्स हैविंग बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। जो बात हमने वीडियो में देखी, जैसे उसने कहा कि आपके पास लाइट जो है उसकी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू इलस्ट्रेट द लाइट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज अ साइन वेव। अब साइन वेव तुम लोगों को पता है ना कैसी होती है, कि अगर ये आपका एक्सेस है, ठीक है, तो ये जो वेव है इस तरह से करके जो वेव होगी, दिस वुड बी अ साइन वेव। मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना, ये साइन वेव है, जिसमें ये आपका क्या है, क्रस्ट है और ये ट्रफ है। और अगर यही वेव जो है वो ऑपोजिटली ओरिएंटेड है, इस तरह से करके स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉस वेव। साइन और कॉस तुम लोगों ने पढ़ा होगा। सो बेसिकली ये वाली जो है, दिस इज योर साइन वेव। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि जनाब, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पीक टू अनदर इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब जैसे ये साइन वेव है मेरी, तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये इतना, ये वाला, दिस इज द वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। याद है ना, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने एफएससी में फिजिक्स के अंदर सारी चीजें ये पढ़ी होंगी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है लाइट विद अ सिंगल वेवलेंथ इज मोनोक्रोमेटिक, बट द मेजोरिटी ऑफ लाइट सोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड वेवलेंथ विच आर रिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। द पेन स्पेक्ट्रल डिस्टोर्शन विच कैन अकर टू एन इमेज कैन बी करेक्टेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज विद इन अ माइक्रोस्कोप। अब वो कहता है कि क्या होता है हमारे पास, कि ये तो हो गई सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ कब होगी, जब आपकी जो लाइट है उसमें सिर्फ एक टाइप की वेव है, या अगर मैं टाइप से ज्यादा इसको अगर मैं कलर कह दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक कलर की वेव्स हैं तो उसकी सिंगल वेवलेंथ होगी, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि लाइट में जो है वो मल्टीपल कलर्स, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। नॉर्मली जो हम विजिबल लाइट देखते हैं उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, जैसे जिसको हम बिलोड करते हैं, ठीक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स जो हैं ये आपकी विजिबल लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर तो आपकी जो लाइट सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक कलर की लाइट है, तो हम उसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। अदरवाइज उसमें मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लेंजेस इस्तेमाल करते हैं। ये लेंजेस क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट होती है ना, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम कर देते हैं। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रहा आपका लाइट सोर्स, यहां से लाइट आई। अब ये देखो, ये लाइट ये इस एंगल पे जा रही है, ये सीधी जा रही है, ये इस एंगल पे जा रही है। अब कंडेंसर से गुजरी, यहाँ पे आपका जो है ना वो पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट से गुजरी, ऑब्जेक्टिव लेंस में आई। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इसका पाथवे जो है ना वो सब सेम कर रहा है, इसको एक एंगल पे डाइवर्ट करके और फिर हमारी आईज तक पहुंचा रहा है।
ये काम जो है ये हम करते हैं लेंजेस की मदद, ठीक है। कि वो क्या करती है कि जो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट जा रही है, ये डिफरेंट एंगल्स पे लाइट जा रही है, उसको एक सिंगल एंगल पे डाइवर्ट कर देती है और वहां से वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब वही चीज, ये जो दो वेव्स के बीच का फासला है दैट इज द वेवलेंथ, और आपकी वेव की हाइट कितनी है दैट इज एम्पलीट्यूड, यानी कि ये आपकी होगी वेवलेंथ और ये वाला जो पार्ट है ये रीजन, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहां तक समझ में आई है? यस मैम। आगे चल सकते हैं। वो कह रहे थे ह्यूमन आई रिस्पॉन्स टू अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड व्हेन द व्हेन This approximates to the mixture of light derived from the sun. It is known as white light. यानी कि वो कह रहे हैं कि human beings जो है वो different किस्म की lights को respond कर सकते हैं, और जो normally हम सूरज से लेते हैं या sun से लेते हैं उसमें 7 different colors होते हैं और उसको हम white light बोलते हैं। कहते by definition white light is a mixture of light which contains a percentage of wavelength from all the visible portions of the electromagnetic spectrum. One measure of the mixture of light given off by a light color is color temperature. यानी कि अगर जैसे सूरज है, सूरज 7 डिफरेंट किस्म की वेव्स को जो है एक सिंगल व्हाइट लाइट की फॉर्म में अगर उमिट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये सूरज का कलर टेम्परेचर है। कोई आपके पास नियॉन लैंप्स होते हैं या ग्रीन लैंटर्न्स होते हैं, वो क्या है, वो ग्रीन लाइट उमिट कर रहे हैं, तो ये फिर वो ग्रीन लाइट जो है वो उस पर्टिकुलर लैंटर्न का टेम्परेचर है, कलर टेम्परेचर है, ठीक है। जिस भी किस्म की लाइट जो है कोई ऑब्जेक्ट ओमिट करेगा वो उसका कलर टेम्परेचर कहलाएगी। द हाइयर द कलर टेम्परेचर द क्लोजर द लाइट इज टू नेचुरल डे लाइट डिराइव फ्रॉम द सन। अब जितना ज्यादा कलर टेम्परेचर उसका होगा, यानी जितने ज्यादा कलर्स एक लाइट में होंगे उतनी ही वो डे लाइट के करीब होगी। Light sources produce lights in all direction and usually consist of a complex mixture of wavelengths which define the color temperature of the light source. Some sources, for example, tungsten filament and xenon lamps provide a relatively uniform mixture of wavelengths, although of different amplitudes or intensity. अब वो कह रहा है कि जब आपको लाइट मिल रही होती है किसी सोर्स से तो उसमें डिफरेंट किस्म की लाइट्स होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन फिलामेंट है या xenon lamps है, वो रिलेटिवली एक यूनिफॉर्म मिक्सचर की लाइट जो है ना वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अदर्स फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी लैंप प्रोवाइड डिस्क्रीट वेवलेंथ स्कैटर्ड ओवर अ ब्रॉड रेंज बट विद डिस्टिंक्ट गैप ऑफ नो इमिशन बिटवीन दीज पीक्स। दूसरे जो है वो कहता है कि जिससे मर्क्यूरी लैंप्स है वो डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट और xenon lamp यूनिफॉर्म वेवलेंथ लाइट प्रोवाइड करेंगे, एंड जो हमारा मर्क्यूरी लैंप है ये क्या करेगा, स्कैटर्ड लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जनाब। यहां तक समझ में आई है आपको? यस मैम। 5 आर तो पूछ लो मेरे से, किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी। अच्छा, वो कहते हैं कि मोस्ट लाइट सोर्सेज आर नॉन कोहेरेंट बट स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डायग्राम्स ड्रॉ लाइट वेव्स एज स्ट्रेट लाइन इवन दो द एक्चुअल लाइट इज इमिटेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। कहते हैं कि नॉर्मली क्या है कि जब हम कोई सोर्स ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लाइट सोर्स है, ठीक है ना। अब ये एनर्जी, ये लाइट जो है ये उमिट कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसकी लाइट को शो करूंगी तो मैं स्ट्रेट लाइन में शो करूंगी, ठीक है। जबकि वो कहता है कि ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द केस। जब लाइट एक सोर्स से आ रही है तो वो ऑल डायरेक्शन में आ रही है, हर डायरेक्शन के अंदर लाइट आ रही है, ठीक है, अगर इस सोर्स से आ रही है तो।
हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ उसको हम एज स्ट्रेट लाइट मेंशन करते हैं. Another property important in understanding microscope optics is that some of the light is absorbed by the media, lens and the air through which it passes. This produces a reduction in the amplitude or energy level of the light. The media can have an effect on the actual speed of light passing through the microscope. This is called retardation. अब ये देखो, ये wave देख रहे हो? अब ये wave क्या है कि gradually इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द एंड. क्यों डिक्रीज हो रहा है? कि आपका जो कुछ लाइट है, कुछ लाइट की जो एनर्जी है वो क्या है कि वो आपका मीडिया उसको अब्सॉर्ब कर रहा है. इसलिए लाइट की जो वेवलेंथ है वो ओवर द टाइम जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि आपका मीडिया सम उसकी लाइट को जो है ना कुछ लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा होता है. और इस पूरे फिनोमिनन को हम रिटार्डेशन कहते हैं. कि एक तो वो क्या करेगा कि जैसे कि मेरी लाइट पास कर रही है, ये मेरी लाइट पास कर रही है, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे मेरी लाइट ट्रैवल करती जाएगी ना, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. ठीक है, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और साथ साथ इसकी स्पीड भी कम होती जाएगी. एम्पलीट्यूड एंड स्पीड जो है वो डिक्रीज होंगे जैसे जैसे लाइट जो है वो किसी भी मीडियम से पास करेगी. और इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन. कि जो लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन. अब जैसे उसने बताया आपको लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, और फास्टेस्ट कहाँ वो ट्रैवल कर रही है? स्पेस के अंदर. स्पेस के अंदर आपको पता है कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई एयर नहीं है जो लाइट की स्पीड को रिटार्ड कर सके. इसलिए लाइट अनऑब्स्ट्रक्टेड पास करती है और बहुत तेज स्पीड में पास करती है. उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो है जो हमने देखनी है, दैट इज रिटार्डेशन एंड रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन रिटार्डेशन जो है वो हमने देख ली. अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. कहते सबसे पहले मीडिया थ्रू विच लाइट पासेस लाइट इज एबल टू पास विल स्लो डाउन और रिटार्ड द स्पीड ऑफ द लाइट इन प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. द हाइयर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम रिटार्डेशन. अब सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक तरफ वाटर है एक टब के अंदर, ठीक है, और दूसरी तरफ हनी है एक टब के अंदर. अब मुझे बताओ मुझे दोनों में हाथ डालना है तो किस में मेरा हाथ इजीली चला जाएगा, वाटर में जाएगा या हनी में जाएगा? वाटर में. वाटर जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर जो है एज कंपेयर टू हनी लेस डेंस है. ऐसे ही है ना? यस. वाटर डेंसिटी जो है वो कम है और हनी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है. सिमिलरली मेरे हाथ की तरह ही जब लाइट ने पास करना है तो लाइट वाटर में से इजीली पास कर जाएगी, लेकिन क्योंकि हनी ज्यादा डेंस है तो इसमें लाइट मुश्किल से पास करेगी, और जब वो मुश्किल से पास करेगी तो उसमें रिटार्डेशन का फिनोमिनन होगा. यानी कि ऑब्वियसली बात है कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. और ये रिटार्डेशन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे. कि जिस मीडियम से लाइट पास कर रही है उसकी डेंसिटी कितनी है, इस चीज के ऊपर जो है ना ये रिटार्डेशन का फिनोमिना जो है वो डिपेंड कर रहा है. अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि रेज ऑफ लाइट एंटरिंग अ शीट ऑफ ग्लास एट राइट एंगल आर रिटार्डेड इन स्पीड बट देयर डायरेक्शन इज अनचेंज्ड. व्हेन लाइट एंटर्स द ग्लास एट एनी अदर एंगल अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो अकर्स एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. वो कहता है अगर तो ये देखो जैसे ये डायग्राम है, लाइट अगर राइट एंगल पे फॉल कर रही है ना ग्लास के ऊपर तो उसकी सिर्फ स्पीड कम होगी, उसकी डायरेक्शन अनचेंज रहेगी. वो सीधी आई थी राइट एंगल पे, आई थी राइट एंगल पे ही निकल जाएगी. लेकिन अगर किसी और एंगल पे अदर देन राइट एंगल फॉल कर रही है आपके ग्लास के ऊपर तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड भी कम होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी. इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन
यानी कि वो क्या बात कर रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्लास रखा हुआ था, अब राइट एंगल्स क्या है 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्री पे वेव आई, ठीक है, ये ग्लास था पूरी थिकनेस की ग्लास, इसमें से पास की और पास करके 90 डिग्रीज पे ही निकल गई। अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ स्पीड कम हुई है, डायरेक्शन सेम है, और ये कौन सा एंगल है 90 डिग्रीज। अब फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास ग्लास है और इस ग्लास पे लाइट जो है वो तकरीबन ये 45 डिग्रीज का एंगल है, 45 डिग्रीज पे फॉल कर रही है। अब ना सिर्फ ये कि वो मीडियम से पास करते हुए उसकी स्पीड कम होगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, कि जिस एंगल पे वो बाहर निकल रही है वो एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इस वाले फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आई है रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्लास रिफ्रैक्शन की समझ में आई है? यस मैम, आ गई है। अच्छा, अब जिस एंगल पे लाइट ने स्ट्राइक किया, यानी ये जो 45 वाला एंगल था, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो बाहर वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और बीच में ऑब्वियसली आपकी मीडियम की डेंसिटी आ गई, ठीक है जनाब। द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक्स द लेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द डेंसिटी ऑफ द ग्लास जो है उसको हम बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द कर्वेचर ऑफ द लेंस, कर्वेचर इसके, ठीक है। The angle by which the rays are deviated within the glass or other transparent medium is the angle of refraction, जो मैंने बताया कि ये जो बाहर निकल के जा रही है rays, ये वाला जो angle है, जो refraction। अच्छा बेटे, बस इसको यहीं पे हम close करेंगे, ये बस refraction वाला पढ़ लें। ये वाला जो angle है जिसपे हमारे पास light बाहर निकल रही है, इसको हम angle of refraction कहेंगे, और ये वाला angle जो है इसको हम angle of incidence कहेंगे। वो कहता है The ratio of sine values of angle of incidence and refraction give a figure known as refractive index. यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, साइन रेशियो ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्या किस तरह से लिखते हैं इसको, याद है कुछ तुम लोगों को, कैसे लिखते थे एफएसी में? साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जनाब, ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बात नोटवर्दी है। द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द हायर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट Substances is important in the computation and design of lenses, microscope slides, cover slip and mounting media. Air has a refractive index of 1, water has 1.3 and glass has a range of values depending on the type. Mostly average is we have 1.5 refractive index. Usually light passing from one medium into another of higher density is refracted towards the normal, and when passing into the यानी कि वो क्या कह रहा है कि लाइट जब पास कर रही है फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम ऑफ हायर डेंसिटी इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस चीज को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो कहता है कि जनाब फॉर एग्जांपल ये लाइट रे आ रही थी, ये मेरा डेंजर मीडियम था, मीडियम की डेंसिटी एयर से ज्यादा थी। वो कहता है सॉरी ये तो मैंने राइट एंगल से बना दिए, अगर ये लाइट आ रही है ठीक है मीडियम से गुजरिए, मीडियम की डेंसिटी जो है वो किससे ज्यादा है, एयर से ज्यादा है। अब ये मेरी रेफरेंस के लिए मैंने एक नॉर्मल लाइट बना ली है कि ये मेरा नॉर्मल एंगल है 90 डिग्री का एंगल। अब जब इस लाइट दे पास करना है ना, यहाँ से इधर से पास करना है ठीक है, तो इसने इसकी तरफ मूव करना है, इसका एंगल जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। और अगर ये केस वाइस वर्सा है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा मीडियम है, जो मीडियम ये वाला है ये ज्यादा डेंस है
और ये वाला मीडियम जो है ये लाइटर मीडियम है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरी जो लाइट यहाँ पे इस एंगल पे पास फॉल कर रही है वो यहाँ से डिविएट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये एक याद करने वाली चीज है, ठीक है। ये तुम लोग को इसको रट्टा लगाना पड़ेगा कि जब लाइट हायर डेंसिटी लोअर डेंसिटी वाले से हायर डेंसिटी में जा रही है तो फिर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी, और जब ऑपोजिट केस हो रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। चलो आज के लिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तुम इसको रिकॉर्ड कर लो। ईमान बेटे आप ना अटेंडेंस मार्क कर लो, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूं, ठीक है, उसकी अटेंडेंस वो आप मार्क कर लो। ईशा